नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हेलो पंचायत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही ज्वलंत विषय, जिसके लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई है और उस निर्धारित समय सीमा में जिस गतिविधि को संपादित करना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक और बाध्यकारी है, क्योंकि तो तभी हम आने वाले वित्तीय वर्ष में पंचायतों के लिए राशियां प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे ही एक विषय को आज हम कवर करने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है ऑडिट। आप सभी पिछले कुछ दिनों से इस चीज को जगह जगह पर पढ़ रहे होंगे, आपको कई जगह निर्देश मिल रहे होंगे कि ऑडिट समय सीमा में पूर्ण करना है, अन्यथा राशि प्राप्त नहीं होगी। उसी प्रक्रिया को हम यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऑडिट क्या है और क्यों जरूरी है। ऑडिट कोई नया शब्द नहीं है, सभी संस्थाओं में, चाहे वो शासकीय हो, निजी हो, यहाँ तक कि एनजीओ तक में भी ऑडिट होता है। तो ऑडिट के पीछे दो चीजें होती हैं। जब हम उसको हिंदी में पढ़ते हैं तो हम कहते हैं लेखांकन अकाउंटिंग, और दूसरा होता है लेखा परीक्षण। ऑडिट तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास कुछ राशि थी, उस राशि को हमने खर्च किया, खर्च करके हमने उसका हिसाब किताब रखा, और उसके बाद राशि खर्च करते समय हमने जिन नियम निर्देशों को पालन किया था, कुछ दिनों बाद एक अन्य निकाय या संस्था के द्वारा ये देखा जाए कि आपने जो राशि प्राप्त हुई और जो खर्च किया उसका सब जो हिसाब किताब रखा है, इसको इसको देखा जाता है कि भाई आपने राशि नियम निर्देशों के अनुसार खर्च की कि नहीं, जो उसके दिशा निर्देश के उसके अनुसार उससे परिणाम प्राप्त हुए हैं नहीं। उसी पूरी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑडिट। तो ऑडिट जांच नहीं है, ऑडिट किसी भी सार्वजनिक धन के का सदुपयोग या परिणामूलक उपयोग सुनिश्चित करने की एक प्रक्रिया है, जो हमारे इस देश में संवैधानिक रूप से भी लागू है। तो हमको ये मानना होगा कि ऑडिट अनिवार्य है और ऑडिट का पालन कराया जाना हम सबके लिए बाध्यकारी है। तो अभी हम देख रहे थे कि ऑडिट क्या है, क्यों जरूरी है, ऑडिट का मीनिंग क्या है, ऑडिट करने वाली एजेंसियां कौन कौन सी होती हैं। यहाँ एक और बात बताना ठीक लग रहा है कि ऑडिट करने वाली एजेंसी सामान्यतः एक बाहर की एजेंसी होती है, जो कि निष्पक्ष तरीके से आपके आय व्यय का परीक्षण कर सके, राशि के लेन देन या लिखा पढ़ी का परीक्षण कर सके। अब हमें देखते हैं कि मध्य प्रदेश में पंचायतों के ऑडिट के लिए कानून और नियम कौन से लागू हैं। हम यहाँ बहुत विस्तार से इनके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ये बताना इसलिए जरूरी है कि ऑडिट की यदि कोई प्रक्रिया हो रही है तो वो उस प्रक्रिया का एक कानूनी पक्ष भी है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले जो हम चर्चा कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि एक स्थानीय निधि सपरीक्षा है जिसको हम लोग लोकल फंड ऑडिट कहते हैं, जो स्थानीय निधि सपरीक्षा। ये मध्य प्रदेश में जो स्थानीय निकाय हैं, चाहे वो नगरीय निकाय हो या पंचायतें हो, मंडी हो, इस तरीके के जितने भी निकाय होते हैं, उनके लेखा परीक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा स्थापित एक व्यवस्था है। तो ये 1973 में एक कानून पारित किया गया और उस कानून पारित करके स्थानीय निधि सपरीक्षा कानून बनाया गया और 1974 में इसके नियम बना दिए गए। तो अभी जो मध्य प्रदेश में जो लोकल फंड ऑडिट होता है या स्थानीय निधि सपरीक्षा होता है, वो इस कानून और इस नियम से संचालित होता है। अब ये हो गया इसका इनका इनका सिस्टम। अब ठीक
ठीक वही व्यवस्था मध्य प्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम की धारा 129 भी स्थापित करती है। तभी ये स्थापित करती है, तभी तो ये करते हैं। तो मध्य प्रदेश पंचायत राज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 129 ये व्यवस्था करती है कि मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का, पंचायतों का ऑडिट स्थानीय निधि सह परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। और यहाँ तक की व्यवस्था है कि जो ऑडिट के प्रतिवेदन होंगे वो अंतिम रूप से माननीय गवर्नर महोदय के समक्ष भी उपस्थित होंगे और विधानसभा में भी इसको प्रस्तुत करने की व्यवस्था दी गई है। मध्य प्रदेश में जो हमारा अधिनियम है उसके साथ जो नियम बने हैं, तो मध्य प्रदेश पंचायत सह परीक्षा नियम 1997 ये वो नियम है जिसमें ऑडिट के लिए ऑडिट ऑडिटर की शक्तियां जिसको बोलते हैं या जिसका ऑडिट होना है उसके दायित्व, उसके आपत्तियां आती हैं, उसका प्रतिवेदन कैसे देना है, आपत्तियों के निराकरण कैसे करना है। जब भी हम आपत्तियों प्रतिवेदन की बात करेंगे, प्रतिवेदन पर कार्रवाई की बात करेंगे, तो एक शब्द आपको हमेशा ध्यान रखना है जो आगे आने वाली प्रक्रिया में बहुत कई बार आएगा, वो है ATR, एक्शन टेकन रिपोर्ट। जो पूरा ऑडिट इस पर निर्भर करता है कि जो तथ्य सामने आए उन पर क्या कार्रवाई हुई और कैसे उनका निराकरण किया गया। तो अभी ये पूरा हमारे मध्य प्रदेश में पंचायतों के ऑडिट का एक विधिक पक्ष है जो हमने आपके साथ रखने की कोशिश की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तस्वीर से बात कुछ क्लियर हो गया होगा कि अब हम किस विषय में बात कर रहे हैं। ऑडिट तो जब से पंचायत राज संस्थाएं अस्तित्व में आई तब से हो रहा है और हर एक, चाहे वो पदाधिकारी हो, निर्वाचित पदाधिकारी हो या पंचायतों का प्रशासनिक अमला हो, वो कभी ना कभी ऑडिट से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर अब समय के साथ साथ ऑडिट का स्वरूप परिवर्तित हुआ। नियम कार्य कानून वही है लेकिन उसको करने की प्रक्रिया परिवर्तित हुई। तो अब आप देखिए कि जो दो तरीके की बातें हो रही हैं, एक तो अभी देखिए आप ऑडिट कंप्यूटर पर हो रहा है, सारी चीजें बंदा है वो कंप्यूटर पर बैठ के कर रहा है और पहले ऑडिट इस तरीके से सोच विचार करके और कागज पेन से हुआ करता था। तो ये इसको हम कहते हैं ऑफलाइन ऑडिट और ये ऑनलाइन ऑडिट। तो ऑडिट के नियम कायदे कानून डॉक्यूमेंट रखना वो सारी की सारी चीजें वही है। पहले वो ऑफलाइन हुआ करता था जिसमें कागज पर सारी कार्रवाइयां होती थी, कागज पर पत्र जाते थे, कागज पर प्रतिवेदन आते थे। उस पूरी प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया गया है, डिजिटल किया गया है। तो हमारा आज का जो मुख्य विषय है ऑनलाइन के इसी स्वरूप पर चर्चा करना है। आज हम ऑडिट ऑनलाइन पर ही चर्चा करने जा रहे हैं कि ऑडिट ऑनलाइन के बारे में क्या प्रक्रिया निर्धारित की गई है। उसके तकनीकी पक्ष पर आज बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, केवल हम उसके प्रशासनिक पक्ष की बात करने जा रहे हैं। और अगर आपको आवश्यकता लगेगी और यदि आप हमसे अनुरोध करते हैं या आदेश देंगे तो हम उसको तकनीकी पक्ष पर भी एक वीडियो लेकर के भविष्य में आएंगे। तो अब हम आप ये एकदम स्पष्ट है कि आज हम हमारा मुख्य विषय ये है जिस पर अब हम आपके साथ निरंतर बात कर रहे हैं। ऑडिट ऑनलाइन क्यों, कैसे, कब तक? अगर ये प्रश्न उपस्थित नहीं होते और इन प्रश्नों का समाधान समय सीमा में नहीं करना होता तो संभवतः आज हम ऑडिट जैसे विषय पर आपके साथ बात करने नहीं कर रहे होते। ऑडिट एक चलती आ रही परंपरा है, लेकिन अब इन तीनों चीजों का उत्तर जो आपको मिलने वाला है वो बताएगा कि अचानक से एक ऑडिट समय सीमा में इतना अधिक महत्वपूर्ण क्यों और कैसे हुआ और कब तक इसको पूरा करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑडिट ऑनलाइन और यहाँ लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यहाँ लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। आपके एक प्रश्न का उत्तर यहाँ लगभग मिल रहा है कि ऑडिट ऑनलाइन भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा डिजिटल रूप से तैयार की गई एक प्रक्रिया है जिसे अनिवार्य बनाया गया है भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के माध्यम से प्राप्त होने वाली राशियों के लिए। कौन सी राशि, अब हम आगे चल के देखते हैं। ये जो स्क्रीन दिख रही ना, यही वो दरवाजा है घुसने का। मतलब जब ऑडिटर को अगर आपको सूचना देने के लिए जाना होगा तो वो यहां से जाएगा, ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट देना होगी तो इसी के अंदर यहां से लॉग इन करके जाएगा।
आपको जो सूचना प्राप्त होगी उस सूचना के बाद में आपको उसको स्वीकार करना होगा, वो इसी पे करना होगा। तो ये ऑडिट ऑनलाइन का एक दरवाजा है, डिजिटल दरवाजा है। इस दरवाजे में ऑडिटर भी प्रवेश करते हैं, पंचायतें भी प्रवेश करती हैं, फिर अपनी कार्रवाई संपादित करके इसी व्यवस्था पर, इसी सिस्टम पर वो सारी चीजें ऑनलाइन आती हैं। इसी को हम लोग ऑनलाइन ऑडिट कहते हैं और ये व्यवस्था इस प्रकार से निर्मित की गई है। ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल, भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय, इतना अभी हमने देखा। अब कौन से निर्देश हैं जो ऑडिट ऑनलाइन को अनिवार्य करते हैं? तो देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, फाइनेंस कमीशन डिवीजन, अब इसको क्या बोलेंगे, वित्त मंत्रालय, खर्च का विभाग, और उसके अंदर एक डिवीजन है फाइनेंस कमीशन। मतलब ये भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई 14 जुलाई 2021 को, इसके लिए जो 15वां वित्त आयोग की राशि, ये लिखा है 15th फाइनेंस कमीशन 2021-22 से 25-26 तक के दिशा निर्देश लागू होना थे। इसी दिशा निर्देश में अभी हम आपके साथ देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से लिखा हुआ है कि ऑडिट ऑनलाइन अनिवार्य होगा। हम यहां पर आपको एक ये कहां से आप मूल रूप से देख सकते हैं ये सारे दिशा निर्देश, वो भी बताने की कोशिश करते हैं कि आप स्वयं इन दिशा निर्देशों को, जो अभी हम आपके साथ स्क्रीन पर साझा कर रहे थे, कैसे पढ़ सकते हैं। तो आपको किसी भी जगह जाकर के, आप जब MOPR टाइप करते हैं तो इस तरीके से आप जब उसको क्लिक करेंगे तो ये लिख के आ जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज की वेबसाइट खुलेगी। यहां पर हमको ये देखना है फाइनेंस कमीशन, इसको जब क्लिक करते हैं तो इसके बाद में आप ये देखिए यहां पर पूरा लिखा हुआ है कि कौन से दिशा निर्देशों के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सेंट्रल फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है, रिपोर्ट हमको अभी नहीं देखनी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर सेंट्रल फाइनेंस कमीशन ऑन रूरल लोकल बॉडीज ग्रांट, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो उसके पीछे जितनी भी गाइडलाइन होंगी वो सारी गाइडलाइन सामने आ जाएंगी। देखिए, अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑपरेशनल गाइडलाइन ऑन, मतलब 15वां वित्त आयोग रूरल लोकल बॉडी डेट 14/7/21 फाइनल रिपोर्ट, और हमने इसको यहां से डाउनलोड किया। देखिए, वही पत्र जो हम आपको वहां दिखा रहे थे वो इसमें खुल गया है। अब उसी पत्र के इस 5वें नंबर के बिंदु में एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि टाइड और अनटाइड ग्रांट प्राप्त करने के लिए क्या पात्रता होगी। तो देखिए, ऑडिट ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि अनिवार्य पहले नहीं था, लेकिन उसकी अनिवार्यता कितनी थी, 25%। कि अगर 21, 22 और 22-23 में जो राशि मिल रही है वो राशि को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि आपका कम से कम 25% पंचायतों का ऑनलाइन ऑडिट होना जरूरी है। लेकिन जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो फिर ये देखते हैं कि 23-24, जो वित्तीय वर्ष 23-24 है, उससे और उसके आगे के लिए ये व्यवस्था 100% या 100% कर दी गई है। अगले पेज पर हम नजर डालते हैं। पहला यहां तक का देखें हम, इसमें व्यवस्था लिखी हुई है कि ग्राम पंचायतों को 100% होना जरूरी है, 100% ग्राम पंचायतों का ऑडिट ऑनलाइन होना जरूरी है। साथ में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कुछ ग्राम पंचायतें फेल हो जाती हैं, नहीं करती हैं, तो उनको राशि नहीं मिलेगी, बल्कि जिन ग्राम पंचायतों या जिन पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा ऑडिट ऑनलाइन कर लिया जाएगा उन्हीं को ये राशि प्राप्त होगी। कौन सी राशि? 15वें वित्त आयोग। एकदम स्पष्ट है कि ऑडिट ऑनलाइन होना है, किन दिशा निर्देशों के तहत होना है, किस वित्तीय वर्ष का होना है, 2021-22, मतलब वो राशि जो आपकी पंचायतों को 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 के बीच में प्राप्त हुई होगी टाइड एंड टाइड, उन्हीं राशियों से संबंधित जो भी आपने अपने व्यय किए होंगे, जो भी नस्तियां संधारित की होंगी, आगे हम देखने वाले हैं क्या क्या अभिलेखों की जरूरत होगी, उनका हमको ऑडिट कराना होगा। कब तक? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कब तक। तो आप ये देखिए, 30 जून 2023, अभी हम लोग मार्च अंत में है, अप्रैल मई जून हमारे पास 90 दिन होंगे इस पूरी ऑडिट की कार्रवाई को ऑनलाइन रूप से संपादित
करने के लिए। बात शुरू करने पहले अब एक हद चीज और क्लियर कर लेते हैं कि अभी 15वें वित्त आयोग अंतर्गत जो राशि आपको प्राप्त होगी हुई है 21-22 में, उसका ऑडिट होगा। ऑडिट अभी तक की स्थिति में लोकल फंड ऑडिटर या स्थानीय निधि सापरीक्षा के द्वारा ही किया जाएगा, 30 जून के पूर्व किया जाएगा। लेकिन जब वो ऑडिटर आपके पंचायत से जुड़े हुए अभिलेखों को देखेंगे तो वो चूंकि उनको उस पूरे वित्तीय वर्ष को भी कंप्लीट करना है, तो आपके उस वित्तीय वर्ष में ना केवल 15वें वित्त में बल्कि 15वें वित्त के साथ साथ में अन्य योजनाओं में जो पंचायत के खाते में जिसमें राशि प्राप्त हुई होगी, पंचायत का जो एकल खाता है उसमें जितनी भी राशियां प्राप्त हुई होंगी उस पूरी राशि का वो ऑडिट करेंगे, उसमें 15वें वित्त आयोग भी एक हिस्सा होगा। अब जब वो ऑडिट करने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनको रिकॉर्ड नहीं मिलता। एक तो लोकल फंड ऑडिट के पास में अपना प्रशासनिक अमला सीमित है, लेकिन इसके बाद भी उन लोगों ने अपने कुछ पहल की है कि नहीं हम समय सीमा में पूरा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब वो जाते हैं पंचायतों के साथ, जब वो ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजते हैं तो एक तो वहां दिक्कतें आती है कि पंचायतें उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं करती हैं, और यदि स्वीकार कर भी लेती हैं, वो पहल करते हैं कुछ, तो उनके पास अभिलेख नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने हमको अवगत कराया है कि उनको क्या अभिलेख की जरूरत होगी। तो सबसे पहले तो ध्यान रखेगा जितने भी अभिलेखों की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो सब 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में जो भी राशि प्राप्त हुई और जो व्यय हुआ उसी से संबंधित होंगे। तो आपके बैंक की पासबुक एकल खाता है, पासबुक की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कैशबुक क्योंकि राशि प्राप्त हुई है खर्च हुई है कैशबुक, बैंक का रिकंसिलेशन होता है आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कैसे करते हैं, उसका पत्रक, निर्माण कार्य स्वीकृत होते हैं उस निर्माण कार्य की दस्तावेज जिसमें प्रशासन स्वीकृति तकनीकी स्वीकृति उसकी नस्तियां, और इसके बाद परिसंपत्ति पंजी स्टॉक पंजी भंडार क्रय संबंधी ये सब पंजियां कोई काल्पनिक नहीं है। आपको अगर इन सारी पंजियों के बारे में आप और अनिवार्यता समझना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में ग्राम पंचायत लेखा नियम में ये सारी पंजियां अनिवार्य रूप से संधारित करने की व्यवस्था दी गई है। ठीक है, इसी तरीके से जो टैक्स आप लगा रहे हैं उससे संबंधित नस्ती चाहिए, उनको टैक्स की रसीद बुक चाहिए कि आपने किस प्रकार से टैक्स को वसूला है उसकी रसीदें, उसके बाद आपको बाउचर वेरीफाइड बाउचर होना चाहिए, लेजर पंजी होने चाहिए, वार्षिक आय व्यय पत्रक तैयार किया हुआ हो आपने, चल अचल संपत्ति पंजी जो आपका स्टोर है उसका वेरिफिकेशन किया हुआ हो। तो अभी जो आप इस पेज पर देख रहे हैं और इसके पहले वाले पेज पर जो आप देख रहे थे ये दोनों अभिलेख अगर आपके पास तैयार होंगे तो आपका ऑडिट अति शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। तो आपसे ये हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप इस दोनों तरीके के अभिलेख अनिवार्य रूप से तैयार करके रखें। अब वो ऑडिट को ऑनलाइन रूप से कैसे संपादित करना है उसका जो तकनीकी पक्ष है उसकी तरफ आज हम नहीं जा रहे हैं। हमने इसका केवल एक प्रशासनिक पक्ष, अनिवार्यता और क्या चेकलिस्ट है और कैसे हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो बताने की कोशिश की है। इतना बार आपको समझना होगा कि जो हम भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ऑडिट ऑनलाइन जो व्यवस्था पोर्टल विकसित किया गया है उस पोर्टल पर सबके लॉग इन है, स्टेट का भी है, पंचायतों का भी है, जिला पंचायत जनपद पंचायत और ऑडिटर्स का भी है। ऑडिटर्स उस पर लॉग इन करके और आपको एक उसको बोल कह सकते सूचना पत्र भेजते हैं ऑनलाइन पंचायतों को, पंचायतों को वो सूचना पत्र को स्वीकार करना होता है, उसमें एक निर्धारित समय रहता है, तिथि रहती है, स्थान रहता है जहां पर आपको अभिलेख के सहित उपस्थित होना होता है, फिर वो उस अभिलेख का ऑडिट करके उसको ऑनलाइन दर्ज करते हैं। सीधे सीधे शब्दों में हमको इस प्रकार से समझ सकते हैं। इस प्रकार हमने आज आपके साथ ऑडिट ऑनलाइन की अनिवार्यता और उसकी प्रक्रिया प्रशासनिक प्रक्रिया को समझाने का एक छोटी सी कोशिश की है। इसमें जहाँ जहाँ भी योजना अभिलेखों की बात हुई है उसका जो लिंक है कहाँ से आपको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको लगता है कि आपको इस ऑडिट ऑनलाइन विषय पर और अधिक समझना चाहते हैं या और अधिक जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसके हिसाब से या उसके अनुसार फिर से एक नया वीडियो लेकर के आपके साथ में साझा करने का प्रयास करेंगे। आज आपने हमको इतने धैर्य से सुना और एक इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी राय इसमें जरूर बनाएंगे और इस काम को समय सीमा पूरा करेंगे।
इसी आशा और विश्वास के साथ हम अगले वीडियो तक के लिए आपसे फिर विदा लेते हैं। सभी को फिर से नमस्कार।